Hey guys, Heather Kazmi, Tanya Kazmi, welcome to an amazing video of This CHND Reacts. वेल आप लोगों ने काफी सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पे इंस्टा पे ट्रेंड चला है फाइट बहुत ज्यादा आसिम अजहर और हानिया मिर के टॉपिक के ऊपर से और इसके ऊपर डकी भाई ने भी डेफिनेटली बना ली है वीडियो और जब डकी भाई आए तो डेफिनेटली वो रोस्टिंग वीडियो होती है अब हम इस वीडियो में देखेंगे कौन सी ये रोस्ट किया गया क्योंकि इस वीडियो का नेम रोस्ट किया गया है कौन मतलब किसको रोस्ट किया गया है और कैसा रोस्ट किया गया डेफिनेटली नेम है हानिया आमिर वर्सेस आसिम अजहर दी एंड लास्ट ईयर कैरी में नाटी गई थी ना कि टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब दी एंड तब ये सर ये वीडियो आई है सो जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू व्यूवर्स आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं डकी भाई की वीडियो दी एंड सो लेट्स प्ले द वीडियो आए हाय फाइनली थोड़े फड्डे शड्डे हो रहे हैं बहुत मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे अरे इतनी देर से इंटरनेट ठंडा पड़ा हुआ था भाई मजा ही नहीं आ रहा बैंक ना कोई एक्सपोज हो रहा है ना कोई रोस्ट हो रहा है बोरिंग हो गया था यार लेकिन कल इस वीडियो को एंड तक देखना जो मर्जी हो जाए अभी टाइम नहीं है बंद कर दो बाद में देख लेना तसल्ली से लेकिन देखनी एंड तक है और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई ये वीडियो सिर्फ एक क्रिटिसिज्म है एक ओपिनियन है उन चीजों पे जो ऑलरेडी पब्लिक है और बाकी वीडियो को थोड़ा फनी करने के लिए शुगर लगाया है किसी को भी जाके तुम लोगों को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है कुछ बोलने मुझे बोलो भाई मेरा कॉमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है भाई मेरी बुंड ले लो ठीक है वीडियो को एज एंटरटेनमेंट पर्पज ही लेना भाई मेरा ना आसिम से कोई दुश्मनी ना आहानिया से कोई दुश्मनी है मेरा जस्ट एक ओपिनियन है बैक स्टोरी ओके जिन लोगों को बैक स्टोरी का नहीं पता किसी ने एक मीम बना दी हानिया आमिर की लाइव स्ट्रीम को एडिट करके जो मैं ऑब्वियस रीजंस की वजह से नहीं दिखा सकता क्योंकि वो सेक्सुअल है और बहुत घटिया हरकत भी है तो मैं वो वीडियो के अंदर नहीं दिखा सकता फिर एक स्नैप पोस्ट हो गई जी जिसमें हानिया आमिर किसी काके के ऊपर लेटी हुई है जो लीक नहीं हुई है पूरे होशो हवास में हानिया आमिर की गैंग की तरफ से अपलोड हुई है जिसके बाद ऑब्वियसली आवाम ने अपना नेगेटिव रिएक्शन दिया मुझे समझ नहीं आती लोग स्टूपिड हैं या जान के करते हैं यार अगर आप कुछ ऐसी पोस्ट डालोगे तो यार लोगों ने तो बात करनी करनी है ना आपको बेशक वो चीज सही हो, आप मत डालो अपने पास रखो अब मैंने भी शर्ट उतार के मुजरे चुजरे किए हुए हैं अब ज्यादातर लोगों ने उसको एज अ शुगर लिया था उसका मीम बनाया था मतलब शुगर ही लगाया था उसके साथ लेकिन ऐसे कई लोग थे जो बुरा भला कह रहे थे और मतलब क्रिटिसिज्म दे रहे हैं डालने से पहले मुझे पता था कि भाई दो तरह के लोग होंगे जो इसको एज अ शुगर लेंगे और दूसरे जो इस चीज पे मुझे बुरा भला कहेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे जो भी है लेकिन अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है या बुरा भला कह रहा है तो मैं इंटरनेट पे आके बह करके रो नहीं सकता इतनी तो अकल है मेरे में आई नो ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी है इतनी है तुम लोग सोच रहे होगे कि इस पूरे सीन में आसिम अजहर ने क्या किया अबे इतनी हरामी ट्वीट की है उसने अबे पेट्रोल महंगा हो गया उसकी ट्वीट की वजह से भाई लोगों के घर पानी आना बंद हो गया उसकी ट्वीट की वजह से बिटकॉइन गिर गया भाई उसकी ट्वीट की वजह से ट्वीट देखने के लिए तैयार हो नहीं रेडी हो बुढ़ भार ट्वीट है भाई तो देखो क्या तुम लोग को और चाहिए नहीं बस इतना ही है हाँ इतना ही है बाकी इतना ही हाँ इसी बात पे फट गई सबकी भाई फिर हानिया बाजी ने ट्वीट किया यू कैन इधर बी अ सेलिब्रिटी और अ बिटर एक्स विद नो डिग्निटी अब इतनी हैवी इंग्लिश मुझे आती नहीं है लेकिन बेसिकली आसिम अजहर को टारगेट कर रही है ये लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही पिछले दिनों ये आसिम को दोस्त नहीं थी कह रही क्योंकि आसिम की नेचर इस तरह की है लाइक ही इज नॉट इनटू फाइट्स ही जस्ट लाइक हानिया दैट्स व्हाई आई थिंक दे गेट अलोंग रियली वेल इसका आंसर मैंने दे दिया हानिया जा तुझे मैंने जा तुझे माफ किया जस्ट इफ वी स्टिल टुगेदर वी आर फ्रेंड्स We're not together. We're not dating. We're not a couple. अब अचानक से एक्स हो गया अबे माइंड तो बना लो पहले दोस्त है अब्बू है बेटा है एक्स है वाई है जी है मैनिपुलेशन खैर इस ट्वीट के बाद आसिम को लोगों ने हेट देनी शुरू कर दी क्योंकि हानिया ने इस पूरी सिचुएशन को इस तरह से मैनिपुलेट किया था कि आसिम जो है इसकी वो जो लाइव स्ट्रीम वाली मीम थी उसका मजाक उड़ा रहा है एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक्स वैक्स वाली बात भी कर दी कि एक्स हो गया ये हो गया और फिर वो उस मीम की बात भी कर दी तो जाहिर है लोगों को यही लग रहा है ना कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं डिड आसिम अजहर आस्क दैट मैन टू ऑन योर पिक्चर व्हाई आर यू मेकिंग टू थिंग्स टुगेदर इज दैट इवन मेकिंग अ सेंस एग्जैक्टली शी इज मेकिंग थ्री डिफरेंट टॉपिक्स टुगेदर टू गेन दैट एक्स्ट्रा फुल सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक फिगर्स बाय द वे दैट लाइव वीडियो इज फेक एंड एडिटेड बट शी वॉन्ट मेंशन इट क्योंकि उसको बिना बीच में लाए अपने आप को डिफेंड कैसे करेगी अच्छा वैसे शुक्र है अवाम ने ना थोड़ा बहुत कुछ हद तक रियलाइज किया है बेशक आंखों में काफी हद तक पट्टी है तुम लोगों के लेकिन थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर रहे हो तुम बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हिपोक्रेसी
खैर हानिया बाजी, आपने बिटर एक्स विद नो डिग्निटी वगैरह तो लिख दिया और रोने भी शुरू कर दिए, एंटी बुलिंग कैंपेन भी चलानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर एंटी बुलिंग कैंपेन चलानी है तो फिर आयमा बेग के साथ लाइव सेशन पे आके पब्लिकली फ्रेंड जोन कर दिया आसिम को। कोई पूछ रहा है कि आसिम को क्यों छोड़ा? आसिम को किसने छोड़ा? किसी ने नहीं छोड़ा। पूछेंगे, तुमसे पूछ रहे हैं। 12,000 बंदा बैठ के देख रहा है, लाइव चैट इतनी तेजी से ऊपर नीचे जा रही होती है, लेकिन जान के आसिम अजर वाला कमेंट ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आसिम की बुक पे उंगल भी तो करनी है ना। बुक पे उंगल नहीं करेंगे तो भाई बात कैसे होगी हमारी, ट्रेंड पे कैसे आएंगे हम? म्यूजिक Yourself बोल के आसिम अजहर का ब्रेकअप सॉन्ग है वो कमेंट पिन कर दिया, कितनी फनी बना मैं। गलत कर दिया ना ये सब, है ना? फनी हूं मैं, अरे आई एम सो फनी। देखो बुलिंग इज बैड, मैं इस चीज की कैंपेन इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि मैं खुद भी रोस्ट वीडियोस ही बनाता हूं, लेकिन बुलिंग इज बैड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हानिया आमिर कोई ज्यादा एंटी बुलिंग कैंपेन चला रही है। हानिया आसिम मोड़ी जितनी भी सिचुएशन है ना, इसको थोड़ा साइड पे रखो। मैंने तुम लोगों को ना एक बात बताता हूँ। देखो मैं कोई टीवी से नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ड्रामों में आता हूँ, ठीक है? मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अचीव किया। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, थैंक्स टू यू गाइस। हम लोग समटाइम्स लिटरली टीवी के ड्रामे ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं, उनको क्रॉस करके हमारी वीडियो ट्रेंडिंग वन पे आती है। ऐसे भी कई बार हुआ है। तो मुझे ना ये जो इंडस्ट्री है ना उसका आइडिया है, जो कहते हैं ना कि मीडिया में गंद बहुत है, वो अगर एक्सपोज करना शुरू कर दिया ना भट जाएगी तुम लोगों की। लाइक मैं अगर तुम लोगों को शो करूँ ना, तुम लोगों ने कहना है अबे पैन तो यार ये तो दो दिन पहले नाते पर रहा अपने स्टोरीज पे। बहुत ज्यादा फेकनेस है, बहुत ही ज्यादा कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। और यही रीजन है कि मैं आउट हूँ इन चीजों से। मैं इंस्टाग्राम पे ना किसी को फॉलो करता हूँ, बहुत कम लोग हैं, थोड़ा म्यूजिक से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ, एक्टर एक्ट्रेसेस थोड़े बहुत जो मुझे पॉजिटिव वाइब देते हैं उनके साथ, बाकी मैं आउट हूँ भाई इस चीज से। यार हमारी ट्विटर की इंगेजमेंट, हमारी इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट कई टीवी एक्ट्रेसेस इलीट सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा है यार। मुझे जरूरत ही नहीं है इनमें पढ़ने की। मैं तुम लोगों को जस्ट एक डार्क साइड बता रहा हूँ ऑफ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज मीडिया। और डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ये नंबर या इंगेजमेंट बता के फ्लेक्स नहीं कर रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी के चुकने की जरूरत नहीं है। मुझे जो चीज गलत लग रही है वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। किसी के मैनिपुलेटेड बातों में मत आया करो, टाइम लगा के थोड़ा सोच के रिसर्च कर लिया करो, अव्वल तो इंजॉय किया करो यार। किसी का फड्डा चल रहा हो ना साइड लेने की जगह ना तुम लोग बैठ के फुप्पी बन जाया करो। जो मजा फुप्पी बनने में है ना, बहुत मजा आता है भाई। मतलब बैठ के एंजॉय करो यार, शो एंजॉय करो। अभी टीवी ड्रामे इतने बोरिंग ड्रामे हैं जो उससे ज्यादा ड्रामे ये ट्विटर पे लगा लेते हैं भाई, मजा उसका ज्यादा मजा आता है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये मजाक जोक नहीं मार रहा मैं। सेंटर ऑफ अटेंशन। तुम लोग एक चीज नोटिस करना, हानिया आमिर इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ अटेंशन। कोई ना कोई पंगा जरूर चल रहा होता है भाई। लोग मुझे कंट्रोवर्शियल कहते हैं, अबे साल में कोई 5-6 बार तो हैशटैग ट्रेंडिंग हानिया आमिर चल पड़ता है भाई। इंतहा का अनफनी सा एंगेजमेंट अप्रैल फूल प्रैंक। थैंक यू। ये कौन सा प्रैंक था इसका? अबे मुझे डर लग रहा है। लाइव सेशन पे लोगों को बुला के अपने एक्स के बारे में बातें करके उसके ब्रेकअप का मजाक उड़ा के कट गया जैसी बातों को लाइक करके, और फिर ये भी कहना है कि बुलिंग नहीं होनी चाहिए। आई एम नॉट बाइंग इट। पब्लिक फिगर्स एंड हेट। भाई एक चीज ना पब्लिकली पोस्ट हुई है ये सोच के कि ये बिल्कुल सही है और अवाम हमें सपोर्ट करे। मतलब अगर आप अपना प्राइवेट मोमेंट गुजार रहे हो, अबे उसको फिल्म करके जो है ना स्टोरियों पे नहीं लगाना होता। अब आपको वो चीज सही लग रही है वो ठीक है, वो आपका मसला है, कोई इस पे आर्ग्यू नहीं कर सकता। लेकिन बीइंग अ पब्लिक फिगर इतना तो पता होना चाहिए ना कि इस पे लोगों का नेगेटिव रिएक्शन ही होगा। पब्लिक को एक इंटेंशन भी देख लेनी चाहिए कि उसका किसी का दिल दुखाने की इंटेंशन नहीं थी। मुझे 3-4 साल हो गए यूट्यूब पे, मैं किसी लड़की के साथ बाढ़ भी जाऊं ना, दोस्त भी हो जो मर्जी हो, मैं उसके साथ बाढ़ भी जाऊं अपना मुंह छुपाता फिरता हूं कि कोई तस्वीर ना ले ले, उसने तस्वीर लेके डाल दी अलादा इंटरनेट पे नया टॉपिक बन जाना है। अगर मेरे किसी स्टोरीज या व्लॉग के अंदर कोई लड़की आती भी है तो हम लोग सिर्फ शुगर लगा रहे होते हैं, कोई भी उसमें रोमांटिक मूवमेंट नहीं हो रहा होता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर कुछ रोमांटिक डाल दूंगा तो भाई लोग उसके बारे में बात करेंगे। इतना फुद्दू तो हूं नहीं मैं कि भाई मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई लोग मुझे अब कुछ कहें भी ना। अच्छा कुछ सिखा दिया है। मैं बीइंग अ यूट्यूबर बताऊं, मुझे 3-4 साल हो गए यूट्यूब पे, मुझे 10-15 डेथ थ्रेट्स, एक्चुअल डेथ थ्रेट्स डेली ही आती है जो मेरे लट पे हैं। ऐवी कोई उठ के ईमेल कर देगा, मैसेज कर देगा, तेरे घर आ रहा हूँ तुझे कत्ल करने। बहुत कॉमनली मुझे मैसेजेस आते हैं यार इस तरह के, एनीवन विद लाइक मिलियन के करीब फॉलोइंग, स्पेशली लड़के आते ही आते हैं। ईमेल चेक कर रहा होता हूँ, कोई कह देगा एड्रेस निकलवा लिया तेरा, आ रहा हूँ, एंड आई एम लाइक पट। लेकिन मैं उस चीज़ को लेके रोना धोना नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यूट्यूबर बना। मुझे इन कॉन्सिक्वेंसेस का पता है कि भाई हेट भी होगा, आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा, आपको बुली भी किया जाएगा,
लेकिन ऐसे कई लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना। आए दिन कभी ट्विटर खोलो, अबे इतनी बुंड लेते हैं मेरी भाई, अब तो इतनी बुंड लेते हैं मैं उनके साथ बैठ के हंसता हूँ। अगर मुझे इन चीजों में नहीं पढ़ना, मैं यूट्यूब चैनल डिलीट करूँ, अपनी डिग्री पूरी करूँ, कोई काम धंधा ढूंढ लूँ, यही हो सकता है। तो जितने भी सेलिब्रिटीज हेट की बात करते हैं, यार हमें हेट ना दो, स्पेशली चुतिया पे मार के कहते हैं कि यार हमें हेट ना दो, चौड़े हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों हेट कर रहे हैं भाई, जज क्यों कर रहे हो भाई, ये जजमेंटल है वहां। अबे तुम लोग एक काम करो भाई, अपना इंस्टा विंस्टा डिलीट मारो, काम धंधा ढूंढो। यार आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बताऊं, आपस की बात है यार, पिछले दिनों ना बिटकॉइन गिर गया, तो मैंने थोड़े पैसे वैसे लगाए हुए थे, तो सीन थोड़ा बैड हो गया है, तो इसलिए इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग ने। ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टूल है भाई, ऑक्टा एफएक्स एक ट्रस्टेड इंटरनेशनल ब्रोकर। जो लोग फोरेक्स की दुनिया में अपने पहले कदम रखना चाह रहे हैं या जिनके पास टाइम नहीं है और वो फिर भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये परफेक्ट है। ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग बेस्ट ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस से आपको फेयर और ट्रांसपेरेंट स्टैट्स देती है, इनका न्यू रिस्क स्कोर, क्रेडिट स्कोर, रैंक और एवेल्युएट करता है, ताकि आपको पता हो कि आपने उसी को कॉपी करना है। द वन यूजिंग रिलायबल अर्निंग स्ट्रेटजी दैट यील्ड्स अ रिजल्ट, ज्यादा ही अंग्रेजी नहीं होगी। ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग बहुत से डिपॉजिट और पेआउट्स ऑप्शन देता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी लोकल बैंक्स, ताकि आपको अपने प्रॉफिट लेने में देर ना करनी पड़े। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से ऑक्टा एफएक्स को डाउनलोड करो और अपने फर्स्ट डिपॉजिट से 50% का बोनस पाओ। प्रो की तरह ट्रेडिंग करो विद ऑक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग। चलो भाई, डोंट मेक इट वायरल, ये भी हानिया ने लिखा। मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो जो लाइव स्ट्रीम वाली मीम थी ना, वो वायरल इतनी हुई भी नहीं थी। हानिया आमिर की इस वीडियो से पहले मुझे पता भी नहीं था कि किस वीडियो की बात हो रही है, इसने वीडियो के नीचे लिखा ये चीज, मैंने उसको बकायदा सर्च किया, दोस्तों से पूछा, उसके बाद ही मुझे एक पिक्चर मिली, फिर बाद में मजीद रिसर्च करने के बाद मुझे वीडियो मिली। तो यार जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, एक निकम्मे यूट्यूबर से पीस ऑफ एडवाइस ले लो, जिस चीज को आप चाहते हो ना कि वो चीज वायरल ना हो, उसके बारे में बात नहीं करते। इस वीडियो को देखने वालों में से भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने वो लाइव स्ट्रीम वाली मीम इस वीडियो से पहले नहीं देखी थी, हानिया आमिर का हैशटैग ट्रेंडिंग पे आने से पहले वो लाइव स्ट्रीम वाली मीम नहीं देखी थी, ऐसे कई लोग हैं, मैं भी हूँ। और वो जो मीम है ना, वो फेक है, वो असल में लाइव स्ट्रीम नहीं है, वो किसी ने एडिट की है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इट डजंट मैटर कि वो फेक है या असली है, गलत गलत है, जिसने भी वो हरकत की है बहुत घटिया हरकत की है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको लगता है कि वो चीज सही है, वो भी घटिया है। यार मेरी ऐसी कुछ तस्वीरें हैं कुछ लोगों के साथ जो मैं चाहता हूं कि नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ऐसे वॉइस नोट्स हैं जो पब्लिकली लीक हो गए जो मैं चाहता हूं कि यार नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैं ना कभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बारे में अपनी रोना नहीं करूंगा, उसको टॉपिक नया बना के उस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगर मैं चाहता हूं कि वो मजीद लोग ना देखें। जिस चीज को 50 बंदे देख रहे हैं, मुझे उसके बारे में बात करके, उस पे वीडियो बना के, उस पे रोना धोना करके 500,000 लोगों तक नहीं पहुंचानी। पागल वागल नहीं हूं मैं, शायद थोड़ा सा ड्रामा। जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, वो रियलाइज करेगा कि यार ये वीडियो जो है ना, ये एक वेल मेड वीडियो है, इस वीडियो को बनाया गया है, एक्ट किया गया है, ट्राइपॉड या किसी सपोर्ट पे मोबाइल को रख के रिकॉर्ड किया गया है, उस पे फिल्टर भी लगाया गया है, या शायद मैं फुद्दू हूँ, मैं शायद टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हूँ, जो शायद मुझे ऐसा मोबाइल का नहीं पता, जो खुद ब खुद ऑन हो के मुझे रिकॉर्ड कर देगा जैसे ही मैं रो रहा हूँ, और फिर उस पे फिल्टर भी लगा देगा, फिर इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देगा, हो सकता है मुझे ऐसे मोबाइल का ना पता हो। कुछ मजीद सेलिब्रिटीज उतर आए मैदान में सपोर्ट करने एंटी बुलिंग कैंपेन को, जो सही है, लेकिन उसमें से ना कुछ ऐसे फनी वाले भी थे, मैं फनी वाले तुम लोगों को दिखाता हूँ एक बार। यासिर हसैन अंजी कहता है जी बुलिंग नहीं होनी चाहिए, ये अर्तुगुल का खब्बा टट्टा पिछले दिनों हानिया आमिर की स्किन कंडीशन का मजाक बना के उसको दानेदार बोल रहा, लेकिन अब भाई साहब को हीरो बनना है, तुम लोगों को ये इंडस्ट्री की फेकनेस का आइडिया हो रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा फिर हानिया ने उसका जवाब दिया कि भाई दोस्त मेरा पागल वागल हुआ है, आगे से सफाई क्या देते कि एक्नी को उर्दू में दाने ही तो कहते हैं, तो मेरा पुत्र तेरे जैसे को भी उर्दू में चुतिया ही कहते हैं, नाम रख दे फिर। कसम से मनुष्यत बाहर आ रही है, स्क्रीन से इसकी फोटो देखनी पड़ गई। इन शॉर्ट हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा होती है इंडस्ट्री में, थोड़ा ध्यान रखा करो, हर किसी को हीरो बनाना जरूरी नहीं होता। अब ये वीडियो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं कोई लाइक गोल वगैरह नहीं रख रहा, तुम लोग अगर मेरी किसी बात से एग्री करते हो तो फील फ्री टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन भी, बेल आइकन में दुबाना ही दुबाना है, तो अगर आप एग्री करते हो तो लाइक मारो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। मैं जाते जाते ना एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जितनी भी बातें की है ना ऑलरेडी पब्लिक है, मैं कुछ एक्सपोज नहीं कर रहा, जो चीज पब्लिकली है उस पे मैं दे रहा हूं अपना ओपिनियन। मुझे क्यों हानिया आमिर हिपोक्रेट लगती है, विदाउट अ डाउट जो लाइव स्ट्रीम वाली मीम है बहुत घटिया हरकत है, और जिसको लगता है कि वो सही है वो भी घटिया है, जिसने भी किया बहुत बुरा किया, एंड नो वुमन डिजर्व्स दिस। जहां आप चाहती है कि इन चीजों की वजह से बुलिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात वही आ गई,
तुम्हें उंगल करोगे तो स्मेल तो आएगी। और बाकी मैं एक चीज दोबारा मेंशन कर दूं, इसी वीडियो पे चवले मारो, जो भी मारना है नीचे कमेंट के अंदर, अगर फड्डे करने हैं नीचे इस वीडियो के अंदर करो, ठीक है? बाहर जाके किसी के ट्विटर पे या किसी के कमेंट सेक्शन पे नहीं करना। एक और चीज मैं मेंशन करना चाह रहा हूं कि यार मीम्स बनाओ, मजाक भी बनाओ, लेकिन शुगल में बनाओ, किसी को पर्सनल अटैक ना करो या कुछ सेक्सुअल वे में ना लेके जाओ, क्योंकि ये फिर एंटरटेनमेंट नहीं, ये फिर घटिया हरकतों में आ जाती है। लड़कियों पे हमेशा हल्के आते हैं, औरत मर्द जितना ताकतवर नहीं होता, तो इस चीज का भी ख्याल रखो। ये वीडियो जस्ट एक क्रिटिसिज्म थी और मेरा ओपिनियन था, तुम लोग इस वीडियो को एज अ शुगर लेना तो बस इतनी सी बात। अबे लुल्ली के मुंह वाले, इतनी सी बात है तो मैं 15 मिनट की वीडियो क्यों बना दी? यार वो जो उसका अप्रैल फूल वाला प्रैंक था ना, वो बहुत अनफनी था भाई। ओके वेल टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो के अंदर इसने खुल के, अब हम बात करेंगे, इसने टोटल हानिया को क्रिटिसाइज किया है। इसने खुद आपने बोला कि हानिया मुझे हिपोक्रेट लगती है, मैंने अपना ओपिनियन उसके ऊपर दे दिया। और वेल अगर देखा जाए ना इस पूरे मामले में, आसिम की तरफ से कभी ये कुछ नहीं आया। अगर दोनों इकट्ठे थे भी ना और अलग हो गए, तो उसमें हानिया की तरफ से कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी ट्वीट आ रहा है, कभी लाइव स्ट्रीमिंग में लिखा हुआ कि मैं काफी अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूं इस इंग्लिश में। हां, इसने आसिम ने फिर एक ट्वीट किया था, मैं 1.5 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं इतने साल में एक लव नहीं सुना को, जो कि सच बात है। और 1.5 साल से हानिया की तरफ से ही लाइव स्ट्रीमिंग्स में कभी कुछ आ रहा है, कभी एमा बेग से बात कर रही है, कभी खुद किसी के लिए गाना गा रही है, कोई कमेंट कर दे उसको पिन कर देती है, किसी और से बात कर रही है, कोई आसिम करोड़ों कमेंट्स आ रहे, तो आसिम जरा जान के पड़ती है कि तुम बताओ, मतलब ये बात सच है? जग्गी भाई ने बात कही कि दोनों में से सिर्फ हानिया और मेरे जो कि जान के इस टॉपिक को हाईलाइट कराना चाहती है, और उस तरह की वीडियोस बनाती है जिसमें वो आशीर वजाहत के ऊपर लेटी हुई थी, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर बात ना हो भी, आप वो अगर आप लेटे भी हो, आप वो वीडियो ना डालो, अगर आप चाहते हो। हाँ, आप देखो पब्लिक फिगर हो, फिर आप यानी पब्लिक आपके ऊपर ओपिनियन देंगी, पब्लिक आपको लव भी देगी, पब्लिक लव भी देगी, पब्लिक हेट भी देगी, पब्लिक सपोर्ट भी देगी, पब्लिक क्रिटिसाइज भी करेगी। अगर आप चाहते हो पब्लिक सिर्फ लव और सपोर्ट करे, ऐसा नहीं होता, पब्लिक सब करेगी, फिर आप पब्लिक फिगर ही ना बनो। बिल्कुल सही बात, मुझे डक्की भाई की बात बहुत अच्छी लगी। और इस वीडियो के अंदर वेल टू बी ऑनेस्ट, इसने आखिर में ये भी कह दिया कि इसको एंटरटेनिंग में लो, इसको पर्सनल हेट नहीं करना चाहिए, इसने अपना एक ओपिनियन दिया, हमें भी इसके ऊपर रहना चाहिए। अब इसके ऊपर क्या कह सकते हैं, जो होना था जो हो गया, रोस्टिंग नहीं की है, इसने खुद बोला था रोस्टिंग नहीं है, क्रिटिसिज्म है, अच्छा था, इसने अच्छे पॉइंट्स उठाए, जो कि मैं तो इस वीडियो के बाद आसिम अजहर का सपोर्ट करता हूँ। उस बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला इतने अरसे में, सिर्फ हानिया ही बाजी, जो हानिया बाजी ना, हानिया बस फ्रेंड में रहने का शौक है। हानिया अटेंशन सीकर है, वो चाहती है कि मेरी तरफ लोग मतवज्जो हों, ट्रेंडिंग पर हो, ताकि भाई देखा ना साल में कोई 3-5 साल की ट्रेंडिंग में, और मैं इस तरह भी मैं चीज के भी खिलाफ हूँ कि लोग इसको रोस्ट करते हैं, मतलब रोस्ट करना ठीक होता है, लेकिन सेल्फ अटैक नहीं करना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। अब वीडियो अगर उसने आशीर वजाहत उस फ्रेंड के साथ डाल भी थी, लोगों को भी थोड़ा काम रहना चाहिए, अब डाल दियो, क्रिटिसाइज करने का भी तरीका होता है, आपको क्रिटिसाइज करना आना भी चाहिए, ये तो नहीं आप गालियों पर उतरो और पर्सनल अटैक करने लग जाओ, नहीं, अगर आपको चीज बुरी लग रही है आप एक तरीके से बुरा कहो उसको कि ये मुझे बुरी लग रही है, घटिया लगता है। हाँ, एक तरीका होता है हर चीज का, अच्छे का भी, लव का भी, सपोर्ट, क्रिटिसिज्म, तो एक तरीके से होना चाहिए। इस वीडियो को क्योंकि जग्गी भाई एक रोस्टर है, वो वीडियो को रोस्ट करता है, तो इसने इस क्रिटिसिज्म में भी रोस्टिंग स्टाइल अपना डाला, तो मुझे तो अच्छी लगी ये वीडियो, तो मेरी तरफ से तो फुल 10 out of 10। अगर आप ये पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, और अपना ओपिनियन हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सो गाइस, मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर।